What is up people, welcome to Spectroprints। ये मेरा आई गेस सेकेंड व्लॉग है सीरीज में, मतलब पहली जो थी सीरीज थी और अभी है एक ट्रैवल व्लॉग। आज मैं निकला हूँ मेरे एक अच्छे दोस्त के साथ घूमने, पता नहीं कहाँ बट देखते हैं। आई गेस हम प्रोफेशनल काम से जा रहे हैं एक, लेट्स सी। तुम उस फ्रेंड को जानते हो बाय द वे, जल्दी उससे भी मिलते हैं हम लोग। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन से, मैं ट्रेन से जाऊँगा ठाणे से, मैं फिर हम लोग कैब करके वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। ओके सो वहाँ पे मिलते हैं अभी। Now you guys must be wondering कि मैं ट्रेन से कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मेरे पास पास है, पास अभी मेरे को किसी ने पकड़ा था, मैंने उसको पास दिखाया। एंड आज के ज़माने में मुंबई में पास मिलना इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। ओके लाइक अभी बारकोड का कुछ तो सीन आ गया है नया और उसमें पासेस मिल ही नहीं रहे, तो मेरे को पास मिलते ही जो भी मेरे को पकड़ेगा भाई ये है कौन, ऐसी वाली फील होती है मेरे। तो दैट्स व्हाई मैं आई कैन ट्रैवल फ्रीली फ्रॉम एनीवेयर टू लाइक एटलीस्ट टिल तुर्बे, जहाँ तक जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ तक मैं फ्री ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ, फ्री माइंड से, कोई टेंशन नहीं होता। सो अभी हम लोग है बस का वेट कर रहे हैं, भाई साहब के घर जाना है अपने को। तो भाई गाइस ये बस एक बार व्यूज देख लो तुम लोग, व्यू है मस्त व्यू है। ठाणे पे हूँ मैं, तुम लोगों को जान पता चल चुका होगा मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, बट एक बार ये व्यू देखो और मुझे दिखाना तुम लोगों को। वेट दो सीन, ठीक है। हुआ क्या कि आई वांटेड टू डू दिस विद वन ऑफ माय टीम मेंबर्स मधुराव इंडिया, बट आई डोंट नो लाइक एम आई गोइंग टू डू इट और नॉट नाउ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इट्स अ मीमी, मैंने देखा नहीं है। दिस इज नॉट अ मूवी रिव्यू, ओके, एंड डोंट स्पॉइल, सो प्लीज वेट एंड लिसन। पीपल्स आर वंडरिंग कि मैं ट्रेन से कैसे आया, बता। So, like, I want to talk to you about... He got the train ticket, he got passed. He has got passed because of his job. The job in which sector is, what is it, he will tell you. After that. When I will leave this job, then. He has passed. He has passed. He has passed. He has passed. That's enough. So, cut to vlog. Sorry, cut to podcast again. छोटी सी एक बात बनी बात से दास्तां, भूल के सब बातें हंसते हैं यही प्यार की शक्ति। इस लाइन को अगर तू अच्छे से समझे तो यू आर क्लियर विद। मैंने अपने रिलेशनशिप में एक बात नोटिस की, काउंट माई मिस्टेक्स, मतलब उसको मैंने एक गलती रिपीटेटिव की लिया कि ना शी वॉज लाइक और कितनी बार माफ करूँ मैं तुझे। सो दिस पॉइंट वॉज कि मैंने समझ लिया था कि किसी भी बंदे का तुम लोग जज नहीं हो, बोलते ना एक मिस्टेक अगर रिपीटेटिव करो तो वो गुनाह बन जाता है, ऐसा नहीं होता। इंसान हो यार, इंसान सब हो, सब इंसान है, तब से एक गलती बार बार हो सकती है, ठीक है, एक गलती से लिसन देना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती फिर से ना हो। इफ आई मेड अ मिस्टेक वाइल रिकॉर्डिंग
बार बार तू उसको नहीं, तू तू मुझे बता, तू एक ही बार बेड पे सुसु किया है क्या जिंदगी में? सब वही सही है ना, बार बार किया है ना? हाँ तो अगर एक गलती बार बार, इतनी नेचुरल गलती एक बार बार हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती हर यार? तो उस लाइन का मतलब यही था ना कि हर क्या, हाँ भूल के सब बातें, हंसते हैं यही प्यार की। हाँ तो exactly on making mistakes, not mistakes, keep on making weird things, okay? कभी कभी लोग गलती से पॉजिटिव बन जाते हैं, और पॉजिटिव इन गाइड राइट इन पॉजिटिव बिकॉज़ ऑफ ओनली वन थिंग, इनसिक्योरिटी, नहीं नॉट इनसिक्योरिटी बट सी यू बिकम पॉजिटिव बिकॉज़ यू आर वरीड कि सामने वाला बंदा बन गया गलत। हां वी आर नॉट ट्रस्टिंग द गर्ल, ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, वी ट्रस्ट द गर्ल अ लॉट, बट वो पॉजिटिवनेस बस इसी वजह से आता है कि हमें डर लगता है कि बंदा हराम करेगा, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम निकलता है और हमें पता है कि हर लड़के की सोच कैसी है कि हम खुद लड़के। एग्जैक्ट, वी हैव बी दैट्स और एक ये भी बात है कि यार स्कैर्ड डीप डाउन इनसाइड फॉर आवर यू नो अपन है कि ना सर सकने वाला तो वही करेगा। एंड द थिंग इज कि एक बंदा दूसरी मतलब एक अपनी गर्लफ्रेंड किसी और बंदे से बात करते हैं, दैट टाइम वी आर स्केयर्ड थोड़ा सा कि क्या चीज होता है, यू नो द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल अबाउट रिलेशनशिप, लाइक कोई लड़की का बॉयफ्रेंड है तो उसको पटाना नहीं चाहिए, उस पे लड़के क्या एग्जांपल, कोई भी पर रहता तो हां गोल मारते हैं ना, तो हर लड़के का मेंटेलिटी ऐसा ही होगा क्योंकि हर लड़का यही एग्जांपल देता है। But there are still people now, and Joseph, probably, there are people now, back out after understanding this matter of fact, agar ek bandi ke paas boyfriend hai, toh nahin, that's not going to help you for it. Ye samajhne wale bhi log hai. So, that is a, again, one more big positive thing. Anyways, so basically, this part is again going to get uploaded, but what I actually want to talk something whole different thing. Okay, मैं को बस एक ही चीज के बारे में बात कर रहा था। ये मास लगता नहीं है। Future of this is not going to get uploaded. Whatever we are going to record from now, from 6:54 या 7 का बंद, that is not going to get uploaded. Nuggets like after few days or after few weeks. Going to get record of few months. कि मैं वो पर्सपेक्टिव से ठीक है तो स्टार्टिंग जल्दी जाएगा ना डिपेंड डिपेंड 1000 करने के बाद डाल दे तेरे पे मे बी इट माइट गो ऑन आवर चैनल नाइदर ऑन योर चैनल नाइदर ऑन माय चैनल आवर चैनल सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट ओके एंड नाउ वी आर रिकॉर्डिंग वी हैव अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम आपण तसंही तिकडे रेकॉर्ड करतोय दोन तीन व्हिडिओ करतोय ट्वेंटी वाजता एक तास रेकॉर्डिंग सो प्रणय मुसळे स्पेक्टर प्रिन्स हो प्रणय मुसळे आय एम बी लाइटर बिकॉज वन क्वेश्चन पीपल लव स्पेक्टर आय ऑल्सो लव स्पेक्टर प्रिन्स बट लव स्पेक्टर प्रिन्स नाही सिग्मा रूल नंबर 16 ये वाटा चल व्हाट आई वाज सेइंग ये क्या हो गया मतलब बस बस पर गई है सो व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क वाज एंगल ला पोस्ट लो ब्रो ये हैवंट लेफ्ट खाने वो भाईंदर पाड़ा पाड़ा है तू फोकस कर ये व्लॉग है ना नहीं व्लॉग कब होगा यार दो मांगो
किती मूर्ख भाई त्याला नाही आवडणार आपण मास्टर्ड पण आपल्याला आपलं रेटिंग देतो ना कस्टमर आपका नाम क्या है मनीष क्या काय झोपू नको ए उठ ने काय किती मिनिट 13 मिनिटातच असते अजून ट्राफिक नाही पण रस्ता इतका हगांड आहे ना पुढे अरे बोल हाय हाय तू हाय तू युट्यूबर बाय द वे गाइस नो अभी हमने शूट किया है अभी आई गो फिलोसॉफिकल बात करेगा जरा नहीं यू नो आई द गाय यस्टरडे द गाय वो वी पोस्ट ऑन द दैट प्रीवियस एपिसोड ऑफ प्रवचन विद टीपी हां ही कमेंटेड ओके ऑन द चाइना थिंग याद है और उसने भाई ने अनलिस्टेड वीडियो पे कमेंट किया मैंने उसको अनलिस्टेड लिंक क्यों भेजा था बिकॉज आई हैव सम वर्क विद दैट वीडियो एंड देन ही पोस्ट दैट वाज मी आई वाज लाइक वाओ एंड ही सेड कि आई एक्चुअली बिलीव इन स्पिरिचुअल थिंग्स बिकॉज आई फॉलो स्पिरिचुअल थिंग तभी मेरा मन कर रहा है अरे एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें मैं पूरी स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी दिखाऊँ What is spirituality के यार एक let's talk about it now अभी ये मैं अब पूरी वीडियो बनाने का दूंगा बनना देख spirituality एक art है मेरे लिए जी spirituality लोग क्या बोलते हैं कि philosophy की spirituality right और लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग philosophy psychology और art में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें realistic चीजों से बाहर निकलना है but मेरा मानना ये है कि philosophy एक ऐसी reality है जो तुम्हें एक अनरियलिस्टिक आर्ट से ए लेसन देती है बेसिकली अनरियलिस्टिक आर्ट फॉर्म से बेसिकली कोई भी तो इसमें मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी भी एक आर्ट है फॉर एग्जांपल ले महाभारत महाभारत इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट ठीक है बेसिकली आई थिंक हाउ कैन यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी इज अ थिंग ना कि वो बोलते हैं ना कि एक जगह पे बैठो शांत रहो मन शांत करो पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ योर सेल्फ राइट स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए सब्जेक्टिव हो सकती है एग्जैक्टली हाँ तो उसके लिए वो सब्जेक्टिव है ना तो आर्ट इज सब्जेक्टिव नहीं नहीं अकॉर्डिंग टू हिम बट एनीवेज कमेंटिंग ऑन चाइना नेगेटिव कमेंटिंग ऑन चाइना और बैक फायरिंग वाला शिट इज द थिंग इज मेरा पॉइंट वहाँ पे वो था कि चाइना के लोगों ने जरा कुछ नहीं बिगाड़ा है देयर आर पॉलिटिकल डिफरेंसेस ओके ठीक है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है चाइना के ह्यूमंस का कोई इशू नहीं है तुमसे ठीक है एंड हाँ देयर आर सम पीपल हु आर की लाइक चाइनीज होके बोल रहे थे वो इवन पाकिस्तानी इंडिया को गाली देते आई कैन एक्सेप्ट दैट चाइनीज भी देते होंगे बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको यार इतना बोलो कि अच्छा हुआ मर गए दिस इज रॉन्ग दिस इज टोटली रॉन्ग एंड नो पीपल मुझे नहीं लगता कि कोई भी अदर कंट्री का भी लोग अगर मर गए हमारे में से लोग तो इतना मतलब ये बात करेंगे कि अच्छा हुआ मर गए Neither. मुझे नहीं लगता देयर विल बी सम सेल्फिश पीपल हां ऑफ कोर्स देयर आर लाइक हिम हां बट ये जो किया वो कंप्लीटली गलत भी नहीं है और कंप्लीट भी सही भी नहीं है ठीक है आई गेस मुझे वहीं पर रखना चाहिए था कैमरा अच्छा लग रहा था ठीक
किसी से पकड़ने को नहीं आया, हाथ दुख रहा है वहां पे रखना, वो अच्छा लग रहा है। अरे उधर ही रख देता ना, एक तो वो पैर टूटे हुए है उसके, क्यों मरा रहा है वो, रखना उधर, वो अच्छे से लग रहा है, मरा रहा है। लोग होंगे सेल्फिश लोग होंगे इस दुनिया में, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम कुछ, मतलब तुम में और लोगों में फर्क क्या फिर? Be the change you want to see in the world is a quote from Mahatma Gandhi. But still, I just don't feel that everyone can create some or other change. 99% of people are not here for the change. सबको छुट्टा चाहिए, no reason for the change. बातें कुछ इतने देर तक चली कि हम कब पहुंच गए और नायगांव पता ही नहीं चला। सी जरा नेचर देखो नायगांव एरिया में, नायगांव एरिया एक बहुत ही लाइक एक ऐसी साइड में आता है, मुंबई के इस पार्ट में आता है जहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे सेटल होने का कोशिश करते हैं, तो हम वहीं पे अभी जा चुके थे। ऑल्दो हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रास्ता है ठाणे से, सो या हम पहुँच गए अभी। सो गाइस वी आर एट द लोकेशन आर एनिमल शेल्टर। हेलो बोलना क्या बेसिकली, अरे देखते हैं अभी ये पॉडकास्ट करने का इन लोग के साथ एकदम इंटरेस्टिंग। और कैमरामैन प्रणय मुसोई के साथ प्रणव भास्कर एट नायगांव नियर वासी, सी दैट कैट, क्यूट कैट। और हम लोग का एंट्रेंस पे एक्चुअली बहुत सारे कुत्तों ने स्वागत किया है, देखते हैं अभी। जस्ट सी द लोकेशन अराउंड दिस प्लेस मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो पीस एंड काम। लाइक ऐसे एरिया तो मेरे को मेरे गांव में ही दिखा है, और इतना काम एरिया है ना ये, नेचर मस्त एकदम, बहुत ही प्यारा है। लाइक आई जस्ट लव दिस। हे गाइस मीट माय फ्रेंड ताल, बहुत ही प्यारा कुत्ता था, उसमें से उन सब में से मेरा ये फेवरेट था। एक मिनट, ये वाला, हाँ ये वाला दिख रहा है, देखो देखो कितना प्यारा डॉग था। ही बिकम माय फ्रेंड, यू नो सबसे फेवरेट डॉग बन गया था मेरा, उसका भी मैं फेवरेट बन गया था। हमारी एक फ्रेंड पिक्चर है साथ में, जो कि आई गेस मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है, चेक कर लो मेरा इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा स्वागत देखो, तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे डॉग्स हैं? ये तो एक है, इसमें ऐसे 62 समथिंग डॉग्स ने हमारा इसी तरीके से स्वागत किया था, सिर्फ भौंक भौंक के भौंक भौंक के भौंक भौंक के। पता है एंट्री करते टाइम पे डर लग रहा था, इतने सारे कुत्ते हैं वहाँ पे, पर यार उन्होंने कुछ हर्ट नहीं, हार्म नहीं किया मेरे, किसी को भी किसी ने हार्म नहीं किया। सबके सब ऐसे मतलब स्ट्रेट ऑफ थे, मोस्टली एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड था वहाँ पे। आई डोंट नो आई एम जस्ट दिस फोटो बॉक्से ना, ही लुक्स लाइक अ बॉक्स। माँ जी बैग, मैंने तुझी बैग क्या चल रहा है, क्या हाँ वॉलनट ना, ये सोनू है। हाय सोनू, हाय ये कम
इसका कोई बता नहीं करता है, तो कभी कभी प्यार करते करते डांट लेता है। इतने प्यारे लगते हैं कि हमें कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। बट मैं लोगों को मैंने देखा है, जो बहुत सारे लोग हैं जो ली टॉप भी एडॉप्ट करते हैं, तो उनका भी यही हाल करते हैं, उनका हाल तो स्प्रे से भी बदतर कर देते हैं। क्या होता है जब बॉटलेट पाइजे किया। अरे हाय, से हाय, 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 बिंगो, दिस बिंगो इज द जर्मन शेफर्ड वन एंड मिक्स आई गेस। मम्मा इधर, मम्मा इधर बुला रहे, ना? बिंगो, बिंगो, कम कम कम। I'm sorry. ना बिंगो ची 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 चेल। अरे काय करता है दोघ? ओ ए पानो काय चल लाव ना। अरे अरे काय चाललंय? जर्मन शेफर्ड प्रेम है। एक्चुअली आई एम इन टू रश और मेरी मिस्टर मुझे कॉल करने बोल रही है, कॉल तो मैं करूंगा पर अभी मैं स्लो ट्रेन से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग व्लॉग शूट करना था थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा। तो क्या घर जाके एक बार आउटरो डाल दूंगा मैं तुम लोगों के लिए, या तो आउटरो है वैसे तो, अगर मैंने घर जाके आउटरो नहीं दिखा तुम लोग ये आउटरो अभी तो डालूंगा ही नहीं ना, पता नहीं मैं कैसा हूँ। तो वैसे ट्रेन में ट्रैवल करने का अलग ही मजा है, उसमें ना ये तुम लोगों को वो नहीं होता, दिमाग पे हेक्टिक नहीं होता बार 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 कि यार ट्रेन है ट्रेन है। मतलब बस से मैं जब लॉकडाउन था तब बस से मोस्टली ट्रैवल करता था और दो तीन बसेस चेंज करो, बकचोदी है, बकचोदी रियल बकचोदी है। ट्रेन इज फैंटेस्टिक, बहुत अच्छी ट्रेन है और चिल होता है वो। सो अभी आई विल रीच होम, फिर एक पॉडकास्ट शूट करना है, फिर देखते हैं आगे का दिन। अभी दिन तो खत्म होने को आ गया, कल से फिर से जॉब पे जाना है एंड देन हो जाएगा सब कुछ, टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। So guys, this is the end of the show and yeah. Basically, we did a lot of fun stuff. We fun basically stuff. Went to Naigaon. उसके बाद हम लोग वापस थाने आए। थाने में Naigaon में आर्फ का नाम का एनिमल शेल्टर है, उसको विजिट किया और उसके साथ हम लोग ने एक पॉडकास्ट शूट किया जो बहुत ही एपिक बना है। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। एंड मेन थिंग आई थिंक हम लोग वापस थाने आए, हम लोग थाने में भी बहुत सारे क्रिएटिव काम किए और साथ ही साथ अभी ये डोंबिवली जाएगा उसके बाद भी एक वीडियो शूट करने वाला है। तो दिस पॉडकास्ट सॉरी दिस व्लॉग इज समथिंग विच प्रणय स्टार्टेड न्यू, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो एनकरेज हिम विद हिज कॉमेंट्स डाउन बिलो। एंड तुम लोग बताओ तुम लोग ऐसा लगता है, और तू रिकॉर्ड द होल जर्नी टूवर्ड्स होम, ठीक है? कितना भी थका आ रहा रहेगा तो भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर ले, बाकी तो चैंपियन तो तू है। ओके, सो मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। और हम लोग जल्दी आएंगे एक नया व्लॉग लेके, क्योंकि प्रोबेबली अभी ऐसा होते रहेगा, ऐसा हम लोग होप कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमारे ऑफिस कंपनीज एग्री करते हैं तो फॉर श्योर वी विल मेक दिस। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।